अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चीज़ी चिकन समोसा। उसके लिए चाहिए एक डोंगा तेल और थोड़ी सी प्याज। प्याज अच्छा भून लें। मैंने चिकन इधर उबाल कर रख लिया था। देखिए चिकन ऐसे उबालने के बाद मैं हाथ से ऐसा खुला खुला कर ली चिकन इस तरह से। यहाँ मेरी प्याज थोड़ी हल्का ब्राउन हो गई। अब मेरी प्याज ब्राउन हो गई, अब मैं इसमें चिकन मिक्स कर दी हूँ और चिकन और प्याज को इसमें मिक्स कर लें अच्छे से। ज़्यादा आप लौंग लगा रहा होगा, इसमें तेल नहीं है। इसका मतलब यानी कि आप तेल डालें, तेल अगर डालें तो आप बनारस में समोसे निकल जाता तेल बाहर फूल एकदम से। ज़्यादा तेल मत डालें। देखिए इस तरह से सूखा अच्छे से भून लें। इसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची, आपके हिसाब से मिर्ची डाल लें। हम लोग ज़्यादा तेज़ नहीं खाते इसलिए मैंने मिर्ची ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ रेडी हो गया है हमारा चिकन। अब इसमें डाला है मैंने कोथमीर। कोथमीर डालने के बाद और थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं ताकि कोथमीर की स्मेल ज़्यादा ना आए इसमें। और मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया अलग से। ये है चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मोज़रेला चीज़। देखिए मैंने आधा किलो का मंगाया था, ऐसे फ्रिज में रखा था, इसकी वजह से थोड़ा सा चिपक जाता ना। और हाथ से थोड़ा मैंने इसे खुला करके, हम लोग चीज़ ज़्यादा ही खाते हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ डाला है। मैं इसे अच्छे से खुले कर लूँगी हाथों से। और आप चाहे तो ज़्यादा डालें या कम डालें, आपकी मर्ज़ी। मैं अच्छे से इसमें चम्मच से इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिलना चाहिए चिकन और वो दो, ऐसा ना हो कि खाली चीज़ आए चिकन ना आए, दोनों मिक्स कर लेना। यहाँ पर मैंने लिया है समोसा का स्लाइस जो आते हैं ना पट्टी वाले, वो 25 शीट्स है इसके अंदर मैंने लिया है। और ये कितने में? 50 रुपीज़ में है। मैं डी मार्ट से लाई थी ये, घर में बना सकते लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया। देखिए इस तरह से फोल्ड करके पहले ट्राई कर लें। देखिए समोसा इतने आसानी से इजी से बन जाता है, आपको निशान डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आसानी से ऐसे आप हाथ से बनाकर एक बार रोल कर लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी खुद ब खुद। अब इसमें चिकन डालें, इतना ही चिकन डालें जितना इसमें आएगा। ज़्यादा डालोगे तो एकदम से सड़न से खुल जाती, क्योंकि ये मैदे एकदम से थोड़ा नरम नहीं रहता, थोड़ा सख्त भी रहता, उतना अच्छा नहीं रहता ये आटा। फिर भी मैंने ट्राई किया है यहाँ एक बार, देखेंगे बनता कैसा है, बोलकर ट्राई करें। हम इससे पहले भी करें लेकिन ज़्यादा अगर फ्रिज में पहले के पहले अगर नहीं निकाल कर रखे तो ये घट रहते, अगर पहले अगर निकालेगा ऐसे सॉफ्ट थोड़ा नरम आटा रहता। देखिए हमारा समोसा रेडी हो गया है। मैंने लाई पहले बना कर रख ली थी, मैं गेहूं के आटे की लाई बनाया है मैंने, क्योंकि गेहूं के आटे की लाई से अच्छा ही चिपकता है, मैदे की लाई से नहीं चिपकता है जल्दी ये, इसलिए मैंने गेहूं के आटे की लाई बनाई है। और इसे अच्छे से चम्मच से लगा दे के देखिए इधर से ऐसे फोल्ड कर दें, और ऐसे ही जिधर आपने लाई लगाया है वो साइड प्लेट पर रखे, क्योंकि अच्छे से चिपक जाता होना तो नहीं चिपकता। एक मैंने चेक्स में ऐसा बनाया है, ट्राई करे है मैंने, ऐसे बनाकर मैंने देखा है बहुत लोग बना रहे हैं इसलिए मैंने भी एक बार ट्राई किया है कि आता है या नहीं, देखेंगे। हो सकता है खुल जाता लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। अच्छा बना है फिर माशाल्लाह, ये भी अच्छा आ गया है। ये साइड मैंने लाई लगा दिया है, इसे लाई लगा कर ये पट्टी को मैंने इसके ऊपर ये साइड डाला है ऐसा, ये साइड। अरे ये साइड भी अपन दोनों साइड लाई लगाना है, दोनों साइड लाई नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से लाई लगा लें अच्छे से। ये देखिए हमारा ये समोसा भी रेडी हो गया। मैंने ट्राई किया है फिर भी ये सक्सेस हो गया है, देखिए कितने अच्छे से बन गया है। और ये तलने के बाद भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी थे और बहुत ही यम्मी था। हम लोग तो बहुत पसंद, बच्चे तो बहुत शौक से खा रहे थे घर पे। यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, मेरा तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ अब समोसा। देखिए जब तेल गर्म करते हैं ना थोड़ा ज़्यादा आँच पर रखें, जैसा तेल गर्म होता है समोसा डालने पर कम कर दें आँच, क्योंकि समोसे आपके जल सकते हैं, इसलिए आप कम आँच पे ही तलें इसे, क्योंकि अंदर से चीज़ है ना, चीज़ अच्छे से मिलता है। अगर गर्म आँच पे डाले तो समोसा तले जाता, चीज़ अंदर से नहीं मेल्ड होती है। चीज़ मेल्ड होना है तो आँच कम करें। देखिए समोसे मेरे तल गए, तले गए हैं इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है समोसा मेरा। ये थोड़ा सा जल गया है क्योंकि मैंने गुड़िया से इधर बात कर रहे थे, गुड़िया के चक्कर में एक समोसा थोड़ा सा जल गया है हमारा। देखिए पूरे समोसे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। अब हम इसे आपको तोड़कर बताते हैं अब कैसा है समोसा हमारा। ये देखिए हमारा समोसा रेडी हो गया है, देखिए कितना यम्मी और टेस्टी चीज़ी समोसा है। आप लोग भी एक बार ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।